नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते हैं, महीने बदलते जाते हैं, साल बदलते जाते हैं, हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है जानने की कि आने वाला वर्ष, आने वाला महीना और आने वाला दिन हमारे लिए कैसा जाने वाला है। और साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष त्योहार भी आने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए अक्टूबर की 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे जो 15 तारीख तक चलेंगे, यानी कि 14 तारीख की रहेगी नवमी, 15 तारीख का रहेगी विजयदशमी और ये नवरात्रि प्रारंभ होंगे 7 तारीख से। कहीं ना कहीं देखिए माँ भगवती का आशीर्वाद इस समय में विशेष तौर पर मिलता है। अगर हम श्रद्धा भाव के साथ घर में खेतरी को जो होती है अगर बीजते हैं तो कहीं ना कहीं माँ भगवती का, माँ अम्बे का, माँ जगदम्बे का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो नवरात्रों को विशेष तौर पे नियम से करना चाहिए। उस अवधि के दौरान घर में प्याज, लहसुन, अंडे, नॉन वेज कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। केवल सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, फल फ्रूट इत्यादि का सेवन करिए। फास्ट जो लोग रखते हैं तो भी देखिए, जैसे आपको फास्ट में आप खाना है फल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, इस तरीके की चीजों का आपको प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए नवरात्रि का जो समय होता है उसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आपको अवॉइड करना चाहिए अपने बाल कटवाना, शेव करवाना, ये सारी चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। और 7 तारीख से ये नवरात्रे प्रारंभ होंगे। और भी कुछ त्योहार है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो 15 तारीख को दशहरा होगा, देखिए बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं वो त्योहार इसलिए मनाया जाता है, जो रीत पुरानी चलती आ रही है कि हमारे जीवन में से बुराई मिटे और अच्छाई का हमारे जीवन के अंदर वास हो। तो इस चीज का भी त्योहार हमें विशेष तौर पर धूमधाम से मनाना है। और फिर 24 तारीख की बात कर लेते हैं। 24 तारीख को आएगा करवा चौथ। करवा चौथ का जो त्योहार है वो बेसिकली महिलाएं रखती है अपने पति के लिए, हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए मनोकामना करती हैं। और जो उनका कठिन परिश्रम होता है पूरा दिन भूखे रह के, रात को चांद देख के खाना, कहीं ना कहीं मैं भगवान से भी मनोकामना करूंगा ये जो रीत चली आ रही है युगों युगों तक आपके घर में चलती रहे, आपके अपनों की आयु लंबी हो और कहीं ना कहीं आपको युगों युगों तक एक दूसरे का साथ बना रहे। अब बात करते हैं हम एक त्योहार और है जिसके बारे में विशेष तौर पे बात कर लेते हैं। अहोई अष्टमी अगर आप लोगों ने सुना होगा 28 अक्टूबर को वो पड़ेगा। इसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और मनोकामना करती हैं अहोई माता से कि हमारे बच्चे की लंबी आयु हो। और इसके पीछे भी कई स्टोरीज है जिसको मान्यता एक कह लीजिए कि इसमें में प्राप्त है कि हर घर में इस त्योहार को भी धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर इस त्योहार को करते हैं तो जैसे करवा चौथ में माना जाता है जैसे महिलाएं अपने हस्बैंड्स के लिए करती हैं उनकी आयु लंबी होती है, उसी तरीके से अष्टमी जो है वो अगर की जाती है तो आपके बच्चों की आयु लंबी होती है। तो ये थे कुछ प्रमुख त्योहार जो हम धूमधाम से मनाते हैं और ये शुरू होंगे अक्टूबर के महीने से। अब आपकी 12 राशियों के ऊपर मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, क्या स्थिति उनके लिए शुभ है और क्या स्थिति अशुभ है। अगर देखा जाए, ग्रह स्थिति को समझा जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए, लगभग वो वैसे ही रहेगी जैसे मकर राशि के जातकों की थी। मतलब आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है अक्टूबर के महीने में। जो स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की लग रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी साबित होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो देखिए आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन, ग्रोथ, आपको नया कुछ प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाना जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, इस तरीके के योग नौकरी पेशा लोगों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है आपको कुछ नई ऑप्शन मिल जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसके योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं, ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ग्रोथ और ज्यादा होगी। अगर आप मान लीजिए एक ब्रांच लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 ब्रांच खुलने के योग बनते हैं या उससे भी अधिक आपको लाभ हो सकता है। मतलब देखिए ब्रांच खुलने का मतलब ये जो वर्ड होता है कि व्यापार और एक्सपेंड हो और बढ़े, उसमें कहीं ना कहीं और ग्रोथ हो, इस तरीके की स्ट्रेंथ आपके प्लैनेट्स दिखा रहे हैं।
फाइनेंशियल स्टेटस आपका मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो पैसे की तंगी थी, जो किल्लत थी, जो उतार चढ़ाव देख रहे थे आप कि मैंने इसको पैसा देना है, इससे पैसा नहीं आ रहा, वो सारा कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा अक्टूबर के महीने के अंदर। ये ग्रह स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। शादी अगर आपकी नहीं हुई तो इस महीने आपका रिश्ता तय होने वाला है। अभी आगे देखिए, जैसे अब नवरात्रि है इस महीने, तो कहीं ना कहीं नवरात्रों में ऐसे योग बनेंगे जिसमें आपका रिश्ता तय हो जाए, फाइनल हो जाए, चीजें आपकी पूरी प्रॉपर वे में, एक सिंपल हम कह सकते हैं कि मटेरियलाइज होती हुई नजर आ रही है। या प्रपोज किसी को किया था तो हाँ सुनने को मिल जाएगा, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। आपको प्लान करना चाहिए विदेश यात्रा के लिए, कहीं ना कहीं कामकाज को लेके ग्रोथ और इस तरीके के योग नजर आ रहे हैं कि आपको विदेश जाना पड़े। संतान प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अक्टूबर के महीने में प्लान करना चाहिए। योग है जो बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मनोकामना आपकी इस महीने में पूरी होने वाली है, तो संतान आप प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में भी, मैंने आपको बता दिया कि आपको आप प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं। एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं कुंभ राशि के जातक, उनके लिए भी समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं माइंड आपका और ज्यादा शार्प होगा, इस तरीके के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और प्रॉपर्टी में भी, हाँ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगाइए प्रॉपर्टी में, आपको गेन होगा और आपको भी वही है। देखिए पुरानी प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा आपको गेन मिलेगा, इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के जातकों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत बेहतरीन है। कुछ सामान्य टिप्स मैं दे देता हूँ जिनको फॉलो करिएगा। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, उनका ये मंत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं विशेष तौर पे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका लाभ होगा। साथ ही साथ आपने क्या करना है, शिव चालीसा जरूर पढ़िए, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, मूलांग पांच का जितना हो सकता है प्रयोग करिए और हरे रंग का प्रयोग करिए और काले रंग से विशेष तौर पर परहेज करिएगा, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बेहतर होगा और अक्टूबर का महीना और निखर के आपके सामने आएगा। तो ये जानकारी थी कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने की। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे मीन राशि के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मीन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी जो 12 राशियों के ऊपर मैंने बनाई है। अब जाने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध यही करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से ये फायदा आपको होगा कि आने वाले समय में ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियो है या जो भी खगोलीय घटना है, अगर ज्योतिष से संबंधित होती है, तो वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो पाएगी। और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एस्ट्रो योगी क्या जो YouTube चैनल है वो केवल और केवल ज्योतिष से संबंधित आपको ज्ञान बांटता है, ताकि आपके अपने अपनों को भी ये ज्ञान की विशेष तौर पे प्राप्ति हो पाए कि क्या ऐसी खगोलीय घटना या ग्रहों की घटना हो रही है। एक एक वीडियो हमारे चैनल पे शेयर की जाती है और कहीं ना कहीं विस्तार से ज्योतिषीय दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर वन लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।